Hello Standard 2nd, welcome in Maths lecture. Today we are going to start our chapter number 14, Birds Come, Birds Go. There are some sums which we have to yet discuss, so I am going to start from here. Number 1 over here, catch the right bus, sold to get the bus number on each card, match the card with the bus number and see who will sit in which bus. कि यहाँ पर तीन बस खड़ी है और यहाँ पर आपको टिकट के कार्ड के नंबर दिए हैं, तो इसको प्लस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सी बस में बैठेगा. तो हम जैसे यहाँ बताया है कि 7+2 9, 2+2 4, मतलब ये बच्चा 49 नंबर की बस में बैठेगा. तो ये है 49 नंबर. ऐसे हमें सिर्फ सम करना है, सिंपल प्लस है और कुछ नहीं, प्लस माइनस. तो 8+9 17, और यहाँ एक कैरी किया, 4+1 5+1 6, तो ये 67 नंबर की बस पर बैठेगा. और 8 माइनस 1 7 और 8 माइनस 2 6, तो ये 67 में बैठेगा. 7+8 15, 4+2 6+7 75, नाउ 3 माइनस 8 नहीं होगा तो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे. 13 माइनस 8, तो 13 माइनस 8 मतलब 8 से रिवर्स काउंटिंग शुरू करो तो 8 9 10 11 12 13, मतलब 5. यहाँ बचा 8 में से 1 कट हो गया तो बचा 7. 7+2 9, 3+1 4. यहाँ पर वापस 8+7 15, 3+3 6+1 7, 5+4 9, 2+2 4. नाइन माइनस टू 7, 9 माइनस 3 6, तो ये प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं. और यहाँ पर आपको थोड़ा माइंड लगाना है कि कौन से नंबर में से कौन सा नंबर आप माइनस करोगे तो 49 मिलेगा. तो मैंने सिंपल कर दिया, 59 में से 10 माइनस करो. आप 69 में से 20 माइनस कर सकते हो. और भी कोई नंबर है जैसे कि 61 है, राइट. 61 में से आप 12 कट करो. कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो. तो मैंने अपनी नंबर मर्जी से डाले हैं, 3+2 5 6+1 7, 3+4 7, 4+2 6. ये 94 में से मैंने 27 कट किया है, तो 14 में से 7 कट गया 7, और 8 में से 2 कट गया 6. अब कोई भी नंबर, ये मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी, आप अपने तरीके से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें थोड़ा माइंड दौड़ाने का जरूरी है. नाउ क्रॉस मी आउट, कम टुडे वी विल प्ले क्रॉस मी आउट विथ अवर टीचर. ये एक गेम है और कुछ नहीं है. थिंक ऑफ सम नंबर बिटवीन 10 to 50, राइट देम इन द बॉक्स, डू नॉट रिपीट अ नंबर. कि 10 से 50 के बीच में आपको, सपोज इसने यहाँ पर 12 नंबर कोई भी लिखे हैं, राइट. तो आपको 12 नंबर यहाँ पर 12 लिखो, कोई भी नंबर लिख दो. फिर किसी को बोलना है कि आप मुझे कोई भी दो नंबर ऐड करने के लिए बोलो. तो जैसे इसकी टीचर ने बोला कि आप 27 और 12 को ऐड करो. क्रॉस द नंबर यू गेट बाय एडिंग 27 एंड 12. तो वो 27 और 12 को ऐड कर रही है, तो उसको 12 ऐड करना नहीं आ रहा है. तो उसने क्या कर किया कि पहले 27 प्लस 10 ऐड किया मतलब 37, और फिर प्लस 2 किया तो मतलब बन गया 39. तो वो 39 क्रॉस करेगी. ऐसे दो चार बच्चों को टीचर नंबर देते जाएंगे, और जो बच्चा पर प्लस माइनस करके सबसे पहले इसके सारे के सारे नंबर क्रॉस हो जाएंगे,
वो विनर होगा। यही है बस। नाउ यू कैन फिनिश दिस गेम फॉर रजिया। आस्क योर टीचर और फ्रेंड टू स्पीक आउट टू नंबर टू एड। कम ऑन क्रॉस आउट 39। व्हेनेवर क्रॉस आउट ऑल सॉरी हु एवर क्रॉस आउट ऑल द नंबर फर्स्ट विल बी द विनर। जो पहले सारे क्रॉस कर लेगा वो विनर होगा। नाउ चकाचक टोली। ये कुछ बच्चे हैं जो गार्डन की साइड सफाई कर रहे हैं। चकाचक इन हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। चकाचक का हिंदी में मतलब होता है साफ करना और चमकना। चकाचक टोली इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क। ये बच्चों की एक टोली है जो कि अपने वहाँ उसके घर के आजू बाजू कोई पार्क होगा उसको साफ करने का काम कर रही है। बच्चे अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट्स इन हिज हर डायरी। हेल्प श्रेया टू फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। कि चलो श्रेया ने यहाँ पर कुछ हिसाब किताब किया है तो मंथ के आखिर में उसके पास कितने पैसे बचेंगे वो हमें बताने हैं। तो उसने अक्टूबर में देखो यहाँ पर उसका सारा डिटेल दिया है। अक्टूबर में उसने 60 रुपीज कलेक्ट किए। फिर अक्टूबर 7 को एक झाड़ू लिया जो कि 18 रुपये का था। अक्टूबर 12 को एक फिनाइल की बोतल ली जो 25 रुपीज थी। अक्टूबर 25 को उसने 27 रुपीज जो उसने कार्ड बनाए थे कुछ ग्रीटिंग या ऐसा कुछ खुद ने बनाए होंगे उसको बेचकर इकट्ठे किए। तो यहाँ है टोटल मनी कलेक्टेड। तो उसकी टोटल मनी कितनी हुई? तो पहले 60 थी प्लस 27 उसने कलेक्ट किए तो 0 + 7 = 7 6 + 2 = 87 रुपीस। नाउ टोटल मनी स्पेंड। उसने कितने पैसे खर्च किए? तो 18 रुपये में झाड़ू में, फिर 25 रुपीस फिनाइल की बोतल के लिए। तो 8 + 5 = 13 का 3 यहाँ पर 1 कैरी किया 1 + 1 = 2 + 2 = 4 तो 43 रुपीस। नाउ मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द अक्टूबर। तो उसके पास कितने पैसे बचे? तो 87 रुपीस उसके पास कलेक्ट किए करके रखे थे और 43 उसने खर्च किए। तो 7 - 3 = 4 8 - 4 = 4 तो उसके पास 44 रुपीस बचे होंगे। नाउ यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ चकाचक टोली काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द पार्क। यहाँ पर अलग अलग ट्री के पिक्चर दिए हैं और उसके सामने वो ट्री उस गार्डन में कितने नंबर है वो उस यहाँ पर लिखा है। तो ये वाला ट्री है दिस ट्री इज वेयर मोर देन दिस ट्री हाउ मैनी मोर। तो ये शायद जो कोकोनट का ट्री है वो बनियान के ट्री से ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा? तो कोकोनट के हैं 90 और बनियान के 82 है। ठीक है तो हम चलो काउंट करते हैं 90 - 82 तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा है। 90 - 82 जीरो में से 2 कट नहीं होगा यहाँ से एक बोरो किया यहाँ बने 10 - 2 = 8 8 - 8 = 0 मतलब वो 8 ट्री कोकोनट के ज़्यादा है। डो द ट्री विच इज लीस्ट इन द नंबर। इसमें सबसे कम ट्री कौन से हैं? तो के ये वाला तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है वो आप अपनी पीडीएफ में वर्कशीट में कर लेना देख देख के। नाउ ड्रॉ द ट्री विच इज मोस्ट इन नंबर। सबसे ज़्यादा ट्री कौन से हैं? तो ये वाले तो वो भी आपकी अगर पीडीएफ में आ रहा है तो ड्रॉ करना है। Children planted some more trees to make 100. How many more did they planted? ये वाला ट्री है वो उसको 100 तक पहुंचाना है तो वो ये वाला ट्री है। तो ये ट्री है वो 75 है राइट।
तो हमें 75 में से उसको 100 तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? तो कितने और ज़्यादा ट्री प्लांट करने पड़ेंगे? तो 100 तक पहुंचाना है मतलब 100 करो, और हैं कितने? तो 75, तो 100 में से 75 कट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने और प्लांट ग्रो करने होंगे। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, मतलब आपको 25 और ज़्यादा ट्री ग्रो करने पड़ेंगे। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।